अभी ये जो ट्रांसफार्मर है ये है 100 KVA, 11,000/440 होल्ट, 3 फेस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो कि प्राइमरी साइड इनकमिंग आएगी 11,000 होल्ट। अभी यहाँ पे हमको एक बुशिंग दिख रही है, और यह है इंसुलेटर। इंसुलेटर और ये जो रॉड है ये है कनेक्शन करने के लिए, और ये जो मटेरियल है ये मटेरियल कौन सा है, ये मटेरियल है पोरोसोलिन। पोरोसोलिन मटेरियल का ये इंसुलेटर है, और ये इंसुलेटर के बीच में से निकला है टर्मिनल फॉर कनेक्शन पर्पज़। यहाँ से कनेक्शन हम इसको इनकमिंग देंगे, और इसका जो वोल्टेज हैंडलिंग कैपेसिटी है फॉर दिस इंसुलेटर वो है 17.5 किलो वोल्ट। 17.5 किलो वोल्ट, ठीक है। और ये जो है ये 07/2011, ये इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट होगा, मीन्स ये जुलाई महीने में 2011 को ये मैन्युफैक्चरिंग हुआ होगा ये इंसुलेटर, ठीक है। आर आई इंडिया कंपनी का नाम होगा, ठीक है। अब ये है हमारा प्राइमरी साइड, जो कि है रेड, येल्लो, ब्लू, या फिर यू यू वी डब्ल्यू, ठीक है। यू वी डब्ल्यू प्राइमरी साइड, जो कि है 11,000 होल्ट। अभी ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये है रेडिएटर्स फॉर नेचुरल कूलिंग पर्पज़। रेडिएटर्स तो जब हमारा ऑयल गर्म होगा, गर्म होने के बाद में ये ऊपर आएगा, ऊपर आने के बाद में ये पाइप में से गुजर के ये फिन में से पास होगा, और इसको नेचुरल कूलिंग मिलेंगी, और विद द हेल्प ऑफ नेचुरल कूलिंग हमारा जो एबनॉर्मल टेम्परेचर है ये नॉर्मल लेवल तक आएगा। तो यहाँ से जैसे ऊपर में एक आपको टॉप पे जो पाइप दिख रहा, नीचे भी एक पाइप है जो कि यहाँ से नीचे फिर से टैंक में जाएगा, और इसको हम ये स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम रेडिएटर्स फॉर कूलिंग पर्पज़। और एक कनेक्टेड है हमारे मेन टैंक के साथ में ये कनेक्टेड है, ये वाला मेन टैंक जो जिसके अंदर हमारा वाइंडिंग वगैरह सब कुछ रहेगा। अगेन ये जो अरेंजमेंट दिया है ये कंडक्टर्स के लिए दिया है, यहाँ से कंडक्टर फिट होके ऐसे यहाँ पे इसका लग के माध्यम से इसका कनेक्शन बनेगा। लग लग जो है ये कनेक्टर है फॉर कनेक्शन पर्पज़। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्लेट्स दी थी, ये जो आपको प्लेट्स दिख रही ये यू वी डब्ल्यू इसका नोटेशन था, लेकिन वो अभी नहीं दिख रहा है, यानी वो ये हुआ होगा। आपको इंसुलेटर दिखा, 11,000 कैपेसिटी, 11 KV, और हम ये जो आपको दिख रहा, यहाँ से हम ऑयल फिल कर सकते हैं, यहाँ से ऑयल फिल कर सकते हैं, और ये जो है ये कंजर्वेटर टैंक है। कंजर्वेटर टैंक का ये लेवल वाला है, लेवल इंडिकेटर। यहाँ पे मिनिमम दिया है 5, नॉर्मल दिया है 30। अब 30 क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम दिया है 98 डिग्री सेल्सियस। 98 डिग्री सेल्सियस यानी जब हमारा ऑयल पूरा गर्म होगा, गर्म होने के बाद में हमारा टेम्परेचर कितना जाएगा, 98 डिग्री सेल्सियस, ये इसका गेज है।
कंजर्वेटर टैंक का गेज। अभी ये जो दिख रहा आपको, ये सेकेंडरी साइड है, सेकेंडरी साइड जो कि राइट हैंड साइड पे रहेगा न्यूट्रल, और उसके बाद में जो रहेंगे वो तीन फेज रहेंगे, रेड येल्लो ब्लू, तीन फेज। सेकेंडरी साइड में चार रहेगा, न्यूट्रल रेड येल्लो ब्लू, हम इसको ही बोल सकते हैं। ये न्यूट्रल यानी ब्लैक हो गया, ब्लैक यू वी डब्ल्यू, जो कि कितना रहेगा 440 वोल्ट, 11 केवी बाय 440 वोल्ट का ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। अब इसके अंदर क्या लगा है, इसके अंदर इंसुलेटर लगा है, ये इंसुलेटर है जो कि पोर्सिलन मटर का मटेरियल का बनाया है इंसुलेटर, ठीक है। अभी ये जो टैंक है, ये टैंक किसके लिए लगाया है, अगर हमारा टेम्परेचर अगर बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होगा, हमारा ऑयल का एक्सपेंशन होगा, अगर ऑयल का एक्सपेंशन होगा तो उस कंडीशन में हमारा ऑयल ये जो टैंक है कंजर्वेटर टैंक, इसके अंदर आएगा, और इसके अंदर आने के बाद में अगर टेम्परेचर ज़्यादा ही बढ़ता है तो फिर ये हमारा ये जो पाइप है, ये ओवरफ्लो पाइप है, ये इसको हम ओवरफ्लो पाइप बोलेंगे, वेंट है ये, और ये वेंट के माध्यम से अगर ज़्यादा ही टेम्परेचर बढ़ता है तो यहाँ से ये ऑयल जो है ये नीचे आएगा, और यहाँ से अगेन हम फिलिंग कर सकते हैं ऑयल को, यहाँ से हम ऑयल फिल कर सकते हैं। ये जो हमारा कंजर्वेटर टैंक का जो ये सबसे टॉप वाला पोर्शन है, यहाँ से हम ऑयल डालेंगे, अगेन मैं आपको इसका जो अर्थ है बॉडी के साथ वो दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे हम हमारे बॉडी को ग्राउंड कर सकते हैं, जो लीकेज करंट है हमारे ट्रांसफार्मर में से, अगर हम यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर हम अर्थ करेंगे, ग्राउंड करेंगे, तो यहाँ पे अगर लीकेज करंट रहा तो वो ग्राउंड हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है MSEDCL, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये इनका नंबर, ये मॉडल का, ये प्रॉपर्टी का ये नंबर, और यहाँ पे जो सिंबल दिया है ये ग्राउंड का सिंबल दिया है, अर्थ, यहाँ से हम अर्थ करेंगे, एक ये साइड में अर्थ है और एक अर्थ है जो कि वो अपोजिट साइड में दिया है, एक यहाँ पे भी अर्थ है, ये वाला अर्थ, ये देखो यहाँ पे लग लगा है, लग, ये लग के माध्यम से हम इसको अर्थ करेंगे, ग्राउंड करेंगे, ताकि जो हमारा लीकेज करंट इसके अंदर रहेगा वो ग्राउंड हो जाएगा। तो अभी हम नेम प्लेट रीड करेंगे, यहाँ पे दिया है नेम प्लेट के स्पेसिफिकेशन में, जो कि ये एक्यूरेट ट्रांसफार्मर लिमिटेड कंपनी ने बनाया है, जो कि हरिद्वार की कंपनी है, उत्तरांचल, और इसका जो केवीए रेटिंग है वो केवीए रेटिंग कितना है, 100 केवीए, 100 केवीए का ये ट्रांसफार्मर है। उसके बाद में होल्ट एट नो लोड, एच वी साइड है 11 केवी, एल वी साइड है 433, मीन्स कितना 440 हो गया, ये 440 केवी, और इसका जो एम्पियर है, एम्पियर कितना है एच वी साइड में, एच वी साइड में है 5.25 एम्पियर। उसके बाद में एल वी साइड में कितना है, एल वी साइड में है 133.33, मीन्स 133.33 एम्पियर, और उसी के साथ में लोड लॉस एट 75 डिग्री सेल्सियस कितना रहेगा, ये रहेगा 1760 वैट का लॉसेस मिलेंगे एट द टेम्परेचर ऑफ 75 डिग्री सेल्सियस, ओके, और नो लोड लॉसेस कितना रहेगा, अगर कोई लोड लगाया नहीं है सेकेंडरी साइड पे,
सेकेंडरी साइड पे कोई लोड लगाया नहीं है, तो उस कंडीशन में हमारा वेट लॉस रहेगा 260 वैट, 260 वैट हमारा एट नो लोड लॉस रहेगा। उसके बाद में दिया है यहाँ पे इम्पीडेंस, इम्पीडेंस दिया है परसेंट में 4.5 प्लस माइनस 10%, 10% ये कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे यहाँ पे दिया है ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 2011, कंडक्टर हाई वोल्टेज लो वोल्टेज, ईसी ग्रेड एल्यूमिनियम, एल्यू मीन्स क्या है, एल्यूमिनियम। कस्टमर यही है हमारा, जो MSCB वाला जो डिपार्टमेंट है कंपनी वो वाला। बाद में बाकी यहाँ पे क्या दिया है, गारंटेड टेम्परेचर राइज इन ऑयल पर वाइंडिंग, ओके। और ये क्या इधर दिया है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो कि हमको पता है हमारे इंडिया के फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्स। टाइप्स ऑफ कूलिंग ऑयल, नेचुरल नेचुरल ऑयल एंड एयर, नेचुरल एयर, ठीक है। मीन्स यहाँ पे हमारा जो हमारा मिनरल ऑयल है उससे भी हम कूलिंग करते वाइंडिंग को, और विद द हेल्प ऑफ दिस रेडिएटर, विद द हेल्प ऑफ दिस रेडिएटर यहाँ से भी हम इसको कूलिंग कूलिंग प्रोवाइड कराते हैं। और अगेन नेक्स्ट क्या है, वेक्टर ग्रुप, ये है DYN11, ये जो वेक्टर ग्रुप है उसमें ये आता है इसका वाइंडिंग। कोर कार्गो टाइप, कोर वेट कितना है, 186 किलोग्राम कोर वेट, जो इसके अंदर का जो मेन स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर वाइंडिंग बनाई हुई है वो है 186 kg किलोग्राम। वाइंडिंग वेट, वाइंडिंग वेट कितना है, वाइंडिंग वेट इन kg 68 kg, इन 68 किलोग्राम। कोर एंड वाइंडिंग असेंबली, वाइंडिंग वेट असेंबली वेट टोटल kg वो है 290, जो कि ये 100 kVA का ट्रांसफार्मर है। इसका कोर एंड वाइंडिंग का वेट कितना है, 290। वेट ऑफ टैंक एंड फिटिंग, टैंक का और फिटिंग का वेट कितना है, वो है 170, 170। ऑयल फर्स्ट फिलिंग इन kg, टोटल वेट कितना है इसका, टोटल ओवरऑल वेट, ओवरऑल वेट है इसका 615, 615 kg। और देखो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डिग्री सेल्सियस दिया है 45 to 50, गारंटेड टेम्परेचर राइज इन ऑयल एंड वाइंडिंग, यानी इतना ये बढ़ेगा टेम्परेचर। उसके बाद में ये हमारा यहाँ पे डायग्राम बनाई है, जो कि क्या है, जो कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। सेकेंडरी साइड में ऑलवेज ये स्टार कनेक्टेड रहेगा, ये देखो यहाँ पे स्टार दिखाया है। स्टार में से हमको क्या मिलने वाला है, स्टार में हमको न्यूट्रल मिलने वाला है, न्यूट्रल। और जो प्राइमरी साइड है वो प्राइमरी साइड ऑलवेज डेल्टा रहेंगी, जो कि हमको प्राइमरी साइड में न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं है इसीलिए। तो अगेन यहाँ पे डायग्राम बनाई है, जो कि हमको पता है प्राइमरी साइड में ये रहेगा हमारा डेल्टा और सेकेंडरी साइड में ये रहेगा हमारा स्टार, जो कि इसके अंदर एक न्यूट्रल ज़्यादा है, इसीलिए 4 वायर रहेंगे RYB और ये न्यूट्रल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।